हे गाइस, वेलकम टू अमित राव कार रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो XTA, जो AMT वाला वेरिएंट आता है, मतलब ऑटोमेटिक पेट्रोल के अंदर जो वेरिएंट आता है, उसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो वैसे तो आपको ये गाड़ी XT जो मॉडल है वो मैनुअल के साथ भी देखने के लिए मिल जाता है, सेम फीचर आते हैं, सिर्फ ट्रांसमिशन का फ़र्क होता है। अगर आप कोई स्टार्टिंग बजट के अंदर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहे हैं सिटी कम्यूट के लिए, और जो कि सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं, उसके अलावा रनिंग कॉस्ट भी आपकी कम पड़े गाड़ी की, और 5-स्टार रेटेड या 4-स्टार रेटेड गाड़ी हो, तो वो ये गाड़ी आपकी हो सकती है फर्स्ट परचेज़ के अंदर। आप इस गाड़ी को बिल्कुल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2023 के अंदर इसके एक शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो 6,86,900 रुपये एक शोरूम प्राइस है। अभी जिस डीलरशिप पे ये वीडियो शूट हो रही है वो CSG मतलब टाउडू के अंदर डीलरशिप है, उसका नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा अभी। उसके अलावा मोर में जाके आप नीचे इसका नंबर है या डीलरशिप की डिटेल है वो आप देख सकते हैं। अगर ताउडू के आसपास से आप बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली इस नंबर के ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। अब गाड़ी के बारे में सारी डिटेल से शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो चाबी से शुरुआत करते हैं, तो इसके अंदर आपको दो चाबी देखने के लिए मिलेगी। एक में आपको लॉक का स्विच आता है, उसके अलावा हेडलाइट ऑन करने का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, और जो गाड़ी को अनलॉक करने का स्विच आता है फ्लिप की आती है, इसकी को आप फोल्ड करके आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। सेकंड मॉडल के साथ में आपको एक तरीके की ये की सेंटर लॉकिंग वाली रिमोट वाली की देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड जो की है वो मैनुअल आएगी, कुछ इस तरीके की टाटा का लोगो बना होगा, और दूसरी साइड ब्लैंक रहेगी। तो इसी गाड़ी के साथ सारे फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फ्रंट में देखने के लिए मिल जाती है, डायमेंशन वगैरह जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो गाड़ी की अगर फ्रंट फेसियल शुरुआत करते हैं तो जो डिज़ाइन है इसका फ्रंट से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कर्व डिज़ाइन आता है, तो जो एरोडायनामिक होता है उसकी वजह से गाड़ी रोड पे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, चिपक के चलती है, कोई भी दिक्कत वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं तो इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस आपको हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, एक पार्किंग बल्ब भी आता है, मेन हेडलाइट सेटअप आ जाती है, यहाँ पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी फोग लाइट वगैरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ड्यूल टोन आप इसको बम्पर को बोल सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाली रेडिएटर ग्रिल है ये पूरी ब्लैक के साथ में आ जाती है। उसके अलावा क्रोम का वर्क यहाँ से आपको पूरी गाड़ी के वहाँ तक हेडलाइट के चौकों से देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको जो टाटा के अंदर ट्राई एरो जो सिंबल आता है वो पियानो ब्लैक में मिल जाएगा। टाटा का लोगो आपको क्रोम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको करने के लिए मिल जाएगी। ये इसका फ्रंट लुक आ जाता है गाड़ी का, दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी आ जाती है ये। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये आप इसका फ्रंट और साइड प्रोफाइल देख सकते हैं गाड़ी का। अगर गाड़ी की डायमेंशन की बात करते हैं तो 3765 mm की इसकी जो आती है लेंथ देखने के लिए मिल जाती है, 1677 mm की चौड़ाई आ जाती है, और 1535 mm की जो इसकी आती है वो आपको हाइट देखने के लिए मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 170 mm का आपको पेट्रोल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और जो फ्यूल टैंक है वो 35 लीटर का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही फिलिंग के लिए कैप देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी की और बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है टायर कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्लैक्स व्हील आते हैं, अलॉय नहीं होते हैं। उसके अलावा गुडियर के टायर लगे हुए हैं, 175/65R14 का टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क देखने के लिए मिल जाते हैं, और टायर की जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, तो माइलेज के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली बन जाती है। अब ए पिलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर आता है, बी पिलर मैट कलर के साथ आता है, और सी पिलर भी आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाता है। OVRM की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OVRM देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है LED के साथ में, ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ आता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़े साइज़ का आता है, तो पीछे की विजिबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है करने के टाइम पर। डोर हैंडल की बात करते हैं तो बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी भी अगर क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर फ्यूल टैंक मैंने आपको बता ही दिया था। अब और बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर देख सकते हैं छोटा सा स्पॉइलर के दोनों तरफ पार्शन है वो दिया गया है। हाई वोल्टेज स्टॉप लैंप आता है, कोई भी वाइपर डिफोकर वॉशर की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी। टेल लाइट की बात कर रहे हैं तो हैलोजन के अंदर ही टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर की और जो बैक गियर की लाइट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सेंटर के अंदर टाटा का लोगो आ जाता है, टियागो की बैजिंग। उसके अलावा यहाँ से आप इसको अंदर से इसको अनलॉक कर पाएंगे, या चाबी के अंदर भी आपको स्विच मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए। दो पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ड्यूल टोन यहाँ पे भी आपको रियर बम्पर देखने के लिए मिल जाएगा, नंबर प्लेट यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। उसके अलावा पूरा ही जो है ब्लैक कलर का दिया जाता है। डिपार्चर एंगल भी गाड़ी का ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा आपको, कोई भी अगर रिवर्स करते टाइम कहीं पर चढ़ाना है आराम से आप इस गाड़ी को चढ़ा पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब अगर इसका ओपन करते हैं तो इसके अंदर यहाँ से इसको ओपन करने के बाद
यहाँ से ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ मैं आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। टू मतलब एक फैमिली का लगेज आप इसके अंदर इजीली कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे पार्सल सेल्फ इस वेरिएंट में आपको लगी लगाई मिल जाती है, जो बेस वेरिएंट है उसमें नहीं मिलती, पर इस वेरिएंट में आपको पार्सल सेल्फ लगी लगाई मिल जाती है और इसकी क्वालिटी अच्छी आ जाती है। मतलब कोई भी हल्का फुल्का सामान आप इसके अंदर इजीली प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पे 3-3 किलो के दो आपको दोनों साइड हुक देखने के लिए मिल जाते हैं और जो पंचर रिपेयर किट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। स्पेयर व्हील के जो जैक वगैरह टूल वगैरह वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं, यह आता है जेके का ही स्पेयर व्हील है। इसका सेक्शन देखेंगे तो 155/80R13 का देखने के लिए मिलता है, जो कि बेस मॉडल में भी सेम 13 इंच का आ रहा था, मेन टायर 14 इंच का आता है। स्पेयर व्हील आपको इस साइज़ का ही देखने के लिए मिलेगा। सामान को रखने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, काफ़ी ज़्यादा डीप आ जाता है, पेट्रोल वेरिएंट है क्योंकि ये। उसके अलावा यहाँ से अगर आप देखेंगे इंटीरियर का कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप इसको पकड़ के आराम से क्लोज कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे होने नहीं वाली है। इस तरीके का कुछ रियर लुक आ जाता है। अब ड्राइवर साइड की बात करते तो सेम सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, कोई भी वेरिएंट वगैरह की बैजिंग यहाँ पर नहीं आएगी, सेम सारी चीज़ें हैं। अब गाड़ी में सेंटर लॉकिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो गाड़ी को आप रिमोटली इसमें अनलॉक कर सकते हैं, आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। इंटीरियर देखेंगे तो सेम ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, ऊपर ब्लैक कलर का आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा और नीचे जो क्रीम कलर है मतलब बीच कलर जो आता है वो कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर डोर की बात करते हैं तो डोर पर आपको इलेक्ट्रिकली जो मिरर एडजस्टमेंट है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे, तो ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। उसके अलावा ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो दो पेडल की वार्निंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सेम आपको बेस मॉडल के जैसे यहाँ पे डोर ओपनर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा चारों पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आ जाएंगे। जो लाइट का ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर वाली को देखने के लिए मिल जाएगा, साइड लॉक यहाँ पे आप जो और विंडो उन पर लगा सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको क्लोज कर पाएंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट भी आपको इस मॉडल के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी, 0.5 लीटर की बोतल होल्डर आती है। उसके अलावा कोई आपका मतलब मैगजीन वगैरह वो अभी आप इसके अंदर प्लेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे इंटीरियर बात करते हैं और, तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले अलग चीज़ दिखाई देगी कि इसके अंदर जो है सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि सीट की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ से एक बार इसको मैं मैक्सिमम सेट कर लेता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे और जो चीज़ आती है ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ, यहाँ पे दो पेडल देखने के लिए मिलेंगे आपको, एक ब्रेक का आ जाता है, उसके अलावा एक्सीलेटर का पेडल आता है। यहाँ से आप इसका जो है बोनट ओपन कर पाएंगे। उसके अलावा अब इसके अंदर चलते हैं और डिटेल से सारी बात करते हैं। स्टेयरिंग कुछ इस तरीके का आ जाएगा, डी कट स्टेयरिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक कलर का यूज़ मिल जाएगा, टाटा का लोगो आता है। उसके अलावा एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, एक एयरबैग यहाँ पे आता है और एक एयरबैग आपको उस साइड देखने के लिए मिलता है, दो एयरबैग आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइटों के अंदर यहाँ से आप लाइटों के स्विच आते हैं, उसके अलावा इनका जो लेवलिंग का है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल आते हैं, सिर्फ आगे आगे वाइपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट बेस मॉडल से ही था, तो ये सेकंड मॉडल आता है ऑटोमेटिक के साथ, तो इसमें भी आपको जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, एडजस्ट आप इसको कर पाएंगे। रीच एडजस्टमेंट का ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भाई कोई नहीं देता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो एयर के वेंट है मतलब एसी के जो वेंट है, यहाँ पर भी पूरा ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, उसके अलावा क्रोम का भी यूज़ मिल जाता है। तो गाड़ी ये वेरिएंट जो भी लोग परचेज़ करने वाले हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है, हल्की हल्की चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि मीटर के साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी क्रोम का वर्क मिल जाता है। सेंटर में बात करें तो सेंटर आपको यहाँ पे भी क्रोम का वर्क मिल जाएगा, एसी वेंट यहाँ पे आ जाएंगे। हारमन का म्यूज़िक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, टच वाले स्विचेज है, पूरा म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर वो नहीं आता, छोटी डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको। उसके अलावा उस साइड एसी वेंट पर भी यहाँ पर भी आपको वेंट पे क्रोम वगैरह का यूज़ देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे जाएंगे तो मैनुअल एसी आ जाता है, यहाँ से अंदर बाहर की हवा करने के लिए, उसके अलावा एसी ऑन करने के स्विच मिल जाते हैं। स्विचों की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके नीचे जाएंगे तो पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन आ जाता है, ओक्स का कोई भी ऑप्शन इसके वेरिएंट के साथ में नहीं है। टायर इन्फ्लेटर या वैक्यूम क्लीनर लगाने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पर हल्का स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप कोई भी अपना सामान वगैरह वो प्लेस कर सकते हैं। AMT के साथ ये गाड़ी आती है, तो यहाँ से आप इसके गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सिंपल सा आता है कि अभी जैसे R पे है तो रिवर्स पे है, ये इसका न्यूट्रल होता है और ये ड्राइव हो जाता है। मैनुअल चलाना चाहते हैं तो उसको आप इधर कर सकते हैं, सिंपल सा आ जाता है। उसके नीचे जाएंगे तो दो आपको यहाँ पे कप होल्डर और बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई कॉइन्स वगैरह वो रखने के लिए इसमें आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। अब और बात करते हैं तो यहाँ पे डे नाइट एडजस्टेबल IVRM आया था, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बजने वाला हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। माइक यहाँ पे आता है, तो जो भी आप फ़ोन कॉल पे बात करेंगे ये स्टीरियो के थ्रू, वो बातें आपको यहाँ से आपके
जो आगे है रिसीवर के पास वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ आती है। सेकंड मॉडल के साथ में आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। स्क्रीन की बात कर लेते हैं एक बार, तो इसको ऑन कर लेते हैं और स्क्रीन के अंदर बताया था क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो स्क्रीन जब भी आप ऑन करेंगे पूरा डिजिटल इसके अंदर क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, सारी चीज़ डिजिटल में आ जाती है। इसको एक बार म्यूट कर देते हैं, यहाँ से म्यूट हो जाएगा। स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये वाली चीज़ों से आप यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, पूरा डिजिटल स्पीड इसके अंदर शो होता है, एवरेज शो हो रही है, ट्रिप ए आता है, इंस्टेंट माइलेज आ जाती है, अभी गाड़ी किस पोजिशन के अंदर है वो चीज़ भी यहाँ से आपको पता चलती रहेगी अगर गाड़ी ऑन है तो। RPM के यहाँ पे आ जाते हैं, जो टेम्परेचर का है वो यहाँ पे आ जाएगा, फ्यूल के यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी। उसके अलावा जो बाकी वार्निंग लाइट है वो सारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, या इस साइड देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से आप इनको दबा के जो टाइमर वगैरह है वो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। उसके अलावा इस स्विच की अगर बात करते हैं तो इस स्विच से आप ट्रिप ए ट्रिप बी के अंदर जा सकते हैं, एवरेज शो हो जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी शो हो जाता है, ओडोमीटर की रीडिंग यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर भी इस वेरिएंट के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाली चीज़ आती है। उसके अलावा हैंड ब्रेक की लाइट, इंजन की लाइट, यहाँ पे डोर अगर ओपन होंगे तो डोर की भी आपको यहाँ पे वार्निंग देखने के लिए मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड की जो इसके अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो उसकी वार्निंग यहाँ ऊपर आपको शो हो जाती है, ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह प्लेस करने के लिए, या कोई भी आपका कीमती सामान है वो यहाँ पे आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस साइज़ का देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाथी और उसके बच्चे बच्चे छपे हुए हैं, जो कि टाटा को यूनिक बना देते हैं कि हर चीज़ों के साथ में क्रिएटिविटी भाई भर भर के देते हैं टाटा अपनी तरफ से। और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो टैब होल्डर है वो मिल जाएगा, मतलब नाम टैब वगैरह वो इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है। ग्लव बॉक्स का साइज़ इतना है भाई, आप एक एक लीटर की इसके अंदर 3 बोतल प्लेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस म्यूज़िक सिस्टम की अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो वो अगर इसका ऑडियो सुनना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप इसका ऑडियो सुन सकते हैं। अब यहाँ की बात हो जाती है, अब इसके जो सेंटर लाइट आ जाती है वो बेस मॉडल में LED आ रही थी, तो इसके अंदर भी भाई LED के अंदर देखने के लिए मिल जाती है आपको। एक ही लाइट आती है जो सेंटर में दी जाती है, तो इसका थ्रो है वो पीछे के साइड भी रहेगा, आगे के साइड भी रहेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। अब इसके अंदर रियर सीट पे चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ क्या क्या चीज़ें और देखने के लिए मिल जाती है। अब रियर डोर के जो खुलने का एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो किसी भी साइज़ का बंदा आराम से अंदर जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बैठने के अंदर। उसके अलावा चाइल्ड लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसको अगर ऐसे कर देते चाइल्ड लॉक लग जाएगा, बच्चे बच्चे अगर पीछे बैठते तो आप इसको डेफिनेटली लगा के रखें, ताकि बच्चे अंदर से मतलब जो कारस्तानी करते रहते हैं इनको खोलने की वो वाली चीज़ ना कर पाए। गाड़ी खड़ी है तो भी क्या होता है, बच्चे इसको डोर को खोल देते हैं, तो जब भी बच्चों को पीछे बैठाए प्लीज़ उस पर जो चाइल्ड लॉक है उसको आप लगा दीजिएगा। अब अंदर की और बात कर लेते हैं तो इस डोर के अंदर भाई यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है, मतलब 4 स्पीकर आते हैं और 4 ट्विटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, टोटल 8 स्पीकर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। सेम यहाँ पे भी आपको आधा लीटर की बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। सीटों की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो फ्रंट वाली सीटें हैं 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी पॉकेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको इन सीटों के पीछे देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर अगर आप सीट कवर लगवाएंगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सीटों की कुशनिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब बैठने में कंफर्टेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लंबे सफ़र पे भी अगर बैठेंगे तो जो इसका रिक्लाइनिंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और जो पैर है अंदर आराम से ऐसे करके आप बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, जो पूरा हम्प है बिल्कुल पैर अंदर तक चला जाता है, तो कम्फर्टेबल पोजिशन में बैठ पाएंगे। 5 बंदों की तो बात नहीं करूँगा, पर यहाँ पे आप 2 बड़े मतलब बंदे बैठा सकते हो और बीच के अंदर एक बच्चा आराम से बैठा पाएंगे। तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट आ जाएगी। पिछली सीट पे 2 यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट है वो फिक्स वाले मिलेंगे, कोई आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीटों की क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे भी जो टाटा का ट्राइंगल का सिंबल आता है वो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। सेंटर की बात करता हूँ तो कोई भी रियर एसी वेंट यहाँ पे नहीं आएंगे, बोतल होल्डर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लाइट सिर्फ वहीं पे है जो मैंने बताई थी आपको, और सीटों की क्वालिटी अच्छी है भाई, पावर विंडो 4 इस मॉडल के साथ में आ रही है। तो मेनली यही चीज़ें इंटीरियर के अंदर थी। एक बार यहाँ से आप इसका जो है डैशबोर्ड का लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आ जाता है। म्यूज़िक सिस्टम की मैंने बताई थी आपको, 4 पावर इसके अंदर 4 स्पीकर और 4 ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। RXT जो ए वेरियंट आता है ये आप गाड़ी वो देख रहे हैं, ऑटोमेटिक के साथ में जो वेरियंट आता है। अब इसका इंजन और दिखाया था, उसके बाद इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं। तो ये इंजन आप देख सकते हैं 1.2 लीटर का आ जाता है ये इंजन। उसके अलावा 1199 सीसी का आता है, 3 सिलेंडर इंजन है, 86 PS की पावर बना के देता है ये 6000 RPM पर, और 113 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करके देता है। अब और बात करते हैं तो भाई इसके अंदर जो आता है 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा।
और जो माइलेज है वो भी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो इंजन निकाल देता है माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे और देखेंगे तो जो इंसुलेशन है NVH को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे आपको जो कंबल का यूज़ है वो देखने के लिए मिल जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात आती है कि सेगमेंट जो स्टार्टिंग सेगमेंट होता है हैचबैक के अंदर, वहाँ पे भी ये छोटी छोटी चीज़ों का टाटा की तरफ से ध्यान दिया जाता है। तो ये और कोई ब्रांड क्यों नहीं सोचता भाई कि वो अपने जो टॉप मॉडल है या अपर सेगमेंट की गाड़ी है उनके अंदर से भी ये चीज़ों को हटा रहे हैं, और यहाँ पे टाटा अपनी नीचे वाली गाड़ियों के साथ में भी ये चीज़ें देती जा रही है। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ आती है। ये था वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप इंस्टाग्राम पे इसका ऑडियो सिस्टम सुनना चाहते हैं तो ARK मोटर ब्लॉग्स पे, वहाँ पे जाके आप इसका म्यूजिक सिस्टम की ऑडियो टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में। कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।